तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी के मिड टर्म क्वेश्चन पेपर को, जो कि लास्ट सेशन का है, सेशन 2023-24 का। साथ में सॉल्यूशन को भी डिस्कस करेंगे, तो ध्यान से देख लो। आपका पेपर 60 नंबर का होगा, 2.5 घंटे का टाइम आपको मिलेगा, ठीक है। खंड आ, क्वेश्चन 1 पैराग्राफ होगा, यानी कि गद्यांश, जिसे आपको अच्छे से पढ़ना होगा और पढ़कर नीचे क्वेश्चन दिए गए होंगे, इसी के बेस पर आंसर देने होंगे, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हो, ये पैराग्राफ है। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार खिलौने वाला बच्चों को खिलौना कैसे बेचता था? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बच्चों से पैसे लेकर खिलौने देता था। इसी प्रकार सेकेंड क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार खिलौने वाला क्या गाकर खिलौने बेचता था? तो का ऑप्शन हो जाएगा, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन आपका काव्यांश होगा, कविता टाइप में पढ़ना होगा, नीचे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे, उसी में से आंसर देने होंगे। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, काव्यांश के अनुसार पक्षी सपनों में क्या देख रहे हैं? तो तरु की फुनगी पर के झूले, ठीक है। यहाँ पर आपका का ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड के फर्स्ट में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड, काव्यांश के अनुसार स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में पक्षी क्या क्या भूल गए हैं? तो यहाँ पर आपका खा ऑप्शन राइट हो जाएगा, अपनी गति और उड़ान, यहाँ पर आपका खा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन थर्ड, व्याकरणिक प्रश्न होगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सचिन तेंदुलकर हो जाएगा, खा ऑप्शन। अगला भाववाचक संज्ञा की पहचान कीजिए, तो इसमें भाववाचक है जवानी, ग ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला, दरवाजे पर कौन खड़ा है? तो इसमें आपको सर्वनाम पहचानना है, तो क्या हो जाएगा, कौन, ग ऑप्शन। अगला, स्वर्ण श्रृंखला में विशेषण के भेद की पहचान बताइए, तो इसमें गुणवाचक है, कौन सा, गुणवाचक, का ऑप्शन राइट हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन नंबर 4 एक गद्यांश होगा, आपको केयरफुल्ली ध्यान से पढ़ना है, पढ़कर नीचे जो क्वेश्चन होंगे उनके आंसर इसी में से देने होंगे। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार लेखक गर्मी की छुट्टी में कहाँ जाता था? तो अपने मामा के यहाँ जाता था, ठीक है, खा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गद्यांश के अनुसार लेखक की रुचि लाख की चूड़ियों में क्यों नहीं रह गई थी? तो यहाँ पर इसका आंसर, लेखक बड़ा हो चुका था इसीलिए, ठीक है, ग ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्लियर है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, गांव में होते हुए भी कई दिनों तक लेखक को बदलू का ध्यान क्यों नहीं आया? तो लेखक को लाख की चूड़ियों में रुचि नहीं रह गई थी इसीलिए, ठीक है, यहाँ पर आपका का ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, गद्यांश के अनुसार लेखक को किसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी? अपने मामा की छोटी लड़की की, ग ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद 5वां क्वेश्चन भी काव्यांश होगा, आपको अच्छे से पढ़ना होगा, एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन होंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, काव्यांश के अनुसार पक्षी और बादल क्या हैं? तो क्या हैं, भगवान के डाकिए, ठीक है, खा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला, काव्यांश के अनुसार हम क्या नहीं समझ पाते हैं? पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियाँ, ठीक है, का ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्लियर है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, कवि के अनुसार पक्षी और बादल कहाँ जाते हैं? एक महादेश से दूसरे महादेश, ठीक है, तो यहाँ पर आपका ग ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, कवि के अनुसार भगवान के डाकिये द्वारा लाई चिट्ठियों को कौन पढ़ता है? तो पेड़ पौधे पानी और पहाड़, ठीक है, का ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन 6 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, बदलू को किस बात की चिढ़ थी? तो किस बात की चिढ़ थी बदलू को, बताओ, कांच की चूड़ियों से, ठीक है। अगला, बस की यात्रा पाठ में बस कैसी थी? तो वयो वृद्ध थी, ठीक है, घा ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन 7, प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, भगवान के डाकिया कविता के रचयिता कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। अगला, पक्षी और बादल किसके डाकिए हैं? तो किसके डाकिए हैं, भगवान के, का ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, भगवान के डाकिए हैं। इसके बाद में क्वेश्चन 8 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्याकरणिक प्रश्नों के उत्तर दीजिए, दो शब्दों के मेल को क्या कहते हैं?
तो दो शब्दों के मेल को बोलते हैं समास। क्या बोलते हैं? समास। ठीक है, अगला अधिकार में मूल शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर कार है, ठीक है, और पहले में समास आएगा। क्या आएगा? समास। ठीक है, अगला जवान शब्द का भाववाचक संज्ञा जवानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जवानी। ठीक है, अगला मीठे आम लाओ वाक्य में विशेषण क्या है? तो मीठे हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा? मीठे। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान से देखो। पहला क्वेश्चन है, भगवान के डाकिया कविता के अनुसार दूसरे देश में पानी बनकर कौन गिरता है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भाप। क्या हो जाएगा? भाप। ठीक है, अगला भगवान के डाकिया कविता के अनुसार एक देश की धरती दूसरे देश को क्या भेजती है? तो सुगंध भेजती है। क्या भेजती है? सुगंध। यहाँ पर हो जाएगा सुगंध। ठीक है, तो यहाँ पर लिखोगे सुगंध। अगला, भगवान के डाकिया कविता में वर्णित पेड़ पौधे पानी और पहाड़ किसके अंग हैं? तो किसके अंग हैं? प्रकृति के। ठीक है, क्या लिखोगे? प्रकृति के। अगला, भगवान के डाकिया कविता के अनुसार हम क्या नहीं समझ पाते? तो चिट्ठियों की भाषा। इसका आंसर लिख लेना, चिट्ठियों की भाषा। ठीक है, चिट्ठियों की भाषा, ध्यान रखना। ठीक है, अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 10 है, बदलो किस पर बैठकर चूड़ियाँ बनाता था? तो मचिए पर। क्या लिखोगे? मचिए पर। तो इसमें आंसर लिखोगे मचिए पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बदलो किस प्रकार चूड़ियाँ बेचता था? तो आंसर में लिखोगे वस्तु विनिमय द्वारा। वस्तु विनिमय। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ? तो महात्मा गांधी। क्या लिखोगे इसमें? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। अगला, बस की यात्रा पाठ के लेखक कौन है? तो हरिशंकर परसाई। इसमें लिखोगे हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई। ठीक है, क्वेश्चन 4 का आंसर इस प्रकार होगा। क्वेश्चन 4 का आंसर हो जाएगा हरिशंकर परसाई। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन 11 भी क्वेश्चन आंसर ही होगा आपका। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, तो ये सब क्वेश्चन आप डायरेक्ट कमेंट में प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, ओपन करके वहाँ से देख सकते हो, क्योंकि इनके आंसर 30 से 40 शब्दों में हैं, वैसे मैं लिख के समझा नहीं सकता हूँ। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा? अनुच्छेद यानी कि निबंध जिसे आप बोलते हो। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका होगा पत्र लेखन। ठीक है ना, ध्यान रखना। तो ये पैटर्न है, ऐसे ही आपका पेपर आएगा। अब बाकी क्वेश्चन के आंसर के लिए कमेंट में लिंक मिलेगी, ओपन करके सबसे ऊपर देख सकते हो सॉल्यूशन और तैयार कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।